हाय एवरीवन, मैं अश्विन। अभी इस 4 सितंबर 2022 को CDS का पेपर हुआ है, जिसमें हमेशा की तरह इस बार भी इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस आए थे। पेपर अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड था, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के, कुछ क्वेश्चंस सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सेगमेंट जो कि CDS में पिछले 2-3 बार से ऐड किया गया है, इस बार कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला एक सेगमेंट नया ऐड कर दिया गया, और भी नई नई चीजें इस बार ऐड करी गई। सेंटेंस कंप्लीशन वाला एक सेगमेंट ऐड कर दिया गया, तो पेपर को तमाम हिस्सों में डिवाइड करके पूछा गया है हमेशा की तरीके से। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें इस बार जो CDS के 120 क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, तो उसके हर एक सेगमेंट को हम एक दिन में डिस्कस करेंगे। आज हम जिस सेगमेंट को डिस्कस करेंगे वो है प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स का। इस सेगमेंट से पेपर में टोटल में 10 क्वेश्चंस आए थे। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम प्रेपोजिशंस और डिटरमाइनर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में आए थे उनको सॉल्व करेंगे। प्रेपोजिशंस को तो आप जानते ही हैं, कहाँ पे इन लगेगा, कहाँ ऑन लगेगा, कहाँ पर ऑन एट लगेगा, अपॉन लगेगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, यही सब प्रेपोजिशंस हैं। डिटरमाइनर्स में बड़े तौर पे अगर डिटरमाइनर्स को देखा जाए तो डिटरमाइनर्स आर्टिकल्स को बोलते हैं, तो कहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, और इसके अलावा भी कुछ डिटरमाइनर्स होते हैं, जैसे कि सम है, एनी है, नो है, मच है, मेनी है, लिटिल है, अ लिटिल है, दा लिटिल है, फ्यू है, आ फ्यू है, दा फ्यू है, आ नंबर है, दा नंबर है, ये सब डिटरमाइनर्स का सेगमेंट हो जाता है। तो जो टोटल में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स से मिला करके, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं इन 10 क्वेश्चंस को बेस्ट पॉसिबल वे में समझा सकूं, ताकि आने वाले दिनों में और जो एग्जाम्स आपके हों उसमें इस सेशन का आपको जरूर बेनिफिट मिल सके। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पे है, पढ़ते हैं। राहुल मस्ट हैव रिसीव्ड हिज ड्यूज। ये जो सेंटेंस में इतना हिस्सा लिखा हुआ है ना, इसे ध्यान से देखिए। राहुल मस्ट हैव रिसीव्ड का मतलब है राहुल को मिल गए होंगे, पक्का मिल गए होंगे। अगर आप कह रहे हैं कि राहुल हैज रिसीव्ड, तो मतलब है कि राहुल को मिल गया है, और आप कह रहे हैं मस्ट हैव रिसीव्ड तो पक्का मिल गया होगा। जैसे कहा जाए कि वो लखनऊ पहुंच चुका है, ही हैज रीच्ड लखनऊ, और कहा जाए पक्का वो लखनऊ पहुंच चुका होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड लखनऊ, इस तरीके से है। तो राहुल को निश्चित रूप से उसके ड्यूज मिल गए होंगे। ड्यूज मतलब जो बकाया रुपया आपका हो वो उसे मिल गया होगा, वो पैसा उसे मिल गया होगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए क्या लगेगा। गलती से यहां पर नाउ होना चाहिए था, वो नहीं लिखा तो मैंने अभी लिख दिया। तो क्या लगता है, बाई ना होगा, टिल ना होगा, फॉर ना होगा, टू ना होगा? देखिए, फाइट इन दो के बीच में होनी चाहिए, ये तो बेकार की कॉम्बिनेशन से, टू नाउ और फॉर नाउ का कोई मतलब नहीं बनता। या तो बाई ना होगा या तो फिर टिल ना होगा, क्योंकि हिंदी में यहां पर आएगा तक। क्या आएगा? तक। ये आएगा ना कि राहुल को अब तक जो उसका पैसा बाकी है मिल गया होगा, अब तक। नाउ की हिंदी हो जाएगी अब, और तक के लिए बाई आएगा कि टेल आएगा। तो मैं आपको साफ साफ बताऊं कि बाई और टेल दोनों का मीनिंग क्या होता है, तक। अब हिंदी से तो फिर कोई भी आ सकता है, करेक्ट आंसर है बाई। अब इस आंसर को समझ लेते हैं कि बाई कैसे है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई लखनऊ में है, कोई लखनऊ में है, तो आई एम इन लखनऊ, ठीक। और वो कह रहा है मैं लखनऊ में रहूंगा भी अभी, आई शैल रिमेन इन लखनऊ। वो कह रहा है मैं लखनऊ में रहूंगा, शनिवार तक रहूंगा, टिल सैटरडे, या मैं लखनऊ में रहूंगा अगले हफ्ते तक, टिल नेक्स्ट वीक, या मैं लखनऊ में रहूंगा ये जनवरी तक रहूंगा, टिल जनवरी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि अभी भी आप इस समय लखनऊ में ही हैं, एट प्रेजेंट। तो अब से लेकर आप जब तक लखनऊ में ही रहेंगे, इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे अब से लेकर जब तक, तो उसको क्या बोलेंगे आप, टिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिल, ठीक। और कोई कहे कि मैं लखनऊ पहुंचूंगा, अभी आप लखनऊ में हैं नहीं, आप कह रहे हैं मैं लखनऊ में हूं नहीं,
मैं लखनऊ पहुंचूंगा सैटरडे तक, आप बोल दीजिए बाई सैटरडे, नेक्स्ट वीक तक, बाई नेक्स्ट वीक, ठीक, शाम तक पहुंच जाऊंगा, सो बाई द इवनिंग, कुछ समझे आप? अभी आप लखनऊ में है नहीं, शाम तक पहुंच जाएंगे तो फिर लगाइए बाई इवनिंग, बाई नेक्स्ट वीक, बाई सैटरडे, और अभी आप लखनऊ में हैं और नेक्स्ट वीक तक लखनऊ में रहेंगे तो टिल लगाइए। तो क्या राहुल को उसका ड्यू मिल गया था? नहीं, अब तक मिल गया होगा तो बाई लगाइए सर। कोई काम चलता रहेगा जब तक तो वहां टिल लगाइए, और कोई काम जब तक हो पाएगा तो फिर बाई लगाइए, ठीक। जैसे कोई कह रहा है मैं तुम्हारा पैसा जो है नेक्स्ट वीक तक दे दूंगा, तो आई शैल रिटर्न ऑल योर मनी बाय नेक्स्ट वीक, तो वो दूसरा व्यक्ति कह रहा है ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ नेक्स्ट वीक तक, ओके आई एम वेटिंग टिल नेक्स्ट वीक, तू वेट कर रहा तो टिल नेक्स्ट वीक लगा रहा है, और आप दे देंगे पैसा उसको तो बाय नेक्स्ट वीक, तो वो जो व्यक्ति वेट कर रहा है वो वेट भी तो 6 महीने से कर रहा है ना, तो 6 महीने से आगे जब तक करता रहेगा टिल लगाइए, और आप पैसा भी दिए नहीं है जब तक दे पाएंगे वहां बाई लगाइए। यहां पर ड्यूज अब तक मिले होंगे, पहले से नहीं लगातार मिल रहे थे, कंटिन्यूटी नहीं है, इसीलिए आपको क्या लगाना चाहिए? बाई लगाना चाहिए। अगर समझ में आपको आ रहा होगा तो फिर अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अप्रिशिएट करने का सिंपल सा तरीका, आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगे तो एक छोटा सा थैंक यू सर का मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम अलॉन्ग विद यू, बाई यू, फॉर यू, टेल यू फॉर द प्रोग्राम? कोई प्रोग्राम होना है या हुआ है तो पूछा गया कि कितने स्टूडेंट्स अभी तक तुम्हारे साथ आए हैं इस प्रोग्राम के लिए, तुम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हो तो कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक तुम्हारा साथ देने की बात करी है, तो कितने लोग तुम्हारे साथ आए हैं अभी तक? ये इजी क्वेश्चन है, कम बाई नहीं होगा, कम फॉर यू नहीं होगा, कम टेल यू नहीं होगा, कम अलॉन्ग विद यू होगा, ठीक। आप ऐसा तो नहीं कि आप अकेले हैं, आपके साथ और कौन कौन आ रहा है, तो कम अलॉन्ग विद यू कहा जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम अलॉन्ग विद यू? कम बाई एक फ्रेज है जिसका मतलब है चीजों को मैनेज करना, फंड्स को मैनेज करना, खर्चे को मैनेज करना, किसी भी प्रकार सम हाउ मैनेज करना, जैसे तैसे करके, बोलते ना जिंदगी चल रही है, जैसे तैसे करके रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जा रहा है, तो वहां कम बाई लगता है, ये फ्रेज है, अच्छी है, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। तो आंसर क्या है इसका? कम अलोंग विद यू। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पढ़िए, यू नीड टू मेक अदर्स फील, ये एक पॉजिटिव वर्ब को यूज किया गया यहां पर, गौर से देखिए, यू नीड टू मेक अदर्स फील, आपको चाहिए कि आप दूसरे को ये एहसास करवाएं, आपको चाहिए कि आप दूसरों को एहसास करवाएं। कॉजिटिव वर्ब जानते हैं, कॉजिटिव नेचर ऑफ सेंटेंस जानते हैं क्या होता है? कॉजिटिव नेचर ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी काम को खुद ना करें बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से उस काम को करवाएं, जैसे कि आपके चेहरे पे दाढ़ी आती है अगर आप एक लड़के हैं तो, सिर पे बाल आते हैं, तो अगर आप कहें कि मैं ना दाढ़ी बनाने जा रहा हूं, मैं अपनी दाढ़ी को ट्रिम करने जा रहा हूं, तो ट्रिमिंग या शेव जो भी आप करेंगे खुद करेंगे तो ये नॉर्मल एक्शन है, पर जब आप कहें कि मैं ना हेयर कट करवाने जा रहा हूं, हेयर कट करने नहीं जा रहा, हेयर कट करवाने जा रहा हूं, तो ये कॉजिटिव है। क्या है? कॉजिटिव है। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति को बोला गया कि दादी आप अपनी आंखों की जांच करवा लीजिए, करवा लीजिए, ये कॉजिटिव एक्शन है। जब आप किसी काम को किसी दूसरे व्यक्ति से करवाएं तो ये कॉजिटिव है, तो आपको दूसरों को यह एहसास कराना चाहिए, जरूर कराना चाहिए, दैट यू आर सेकेंड टू नन, कि आप किसी से कमजोर नहीं है, ये फ्रेज है सेकेंड टू नोबडी, ये फ्रेज है सर, सेकेंड टू नन लिख लीजिए चाहे नोबडी लिखिए, स्पोकन इंग्लिश से आती है, सेकेंड टू नन का मतलब है मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, मैं किसी से पीछे नहीं हूं, आई एम नॉट सेकेंड टू एनी वन, या आई एम सेकेंड टू नो वन, इस तरीके से मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, मैं किसी से पीछे नहीं हूं, तो नेक्स्ट टू बोलते नहीं, नेक्स्ट टू यू, नेक्स्ट टू मी, हाँ नेक्स्ट टू गॉड, ऐसे बोलते नहीं, बोलते डॉक्टर्स के लिए बोलते नेक्स्ट टू गॉड, इस तरीके से टीचर्स के लिए बोलते नेक्स्ट टू पेरेंट्स, टीचर्स को पेरेंट्स के बराबर माना गया है ना, तो नेक्स्ट टू पेरेंट्स बोला गया है, तो सेकेंड टू नान, इस तरीके से होगा।
किसी से कमजोर ना होना। सेकंड टू लास्ट, अगले सेंटेंस पर आइए। इसको देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फोर है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दा लगेगा, सम लगेगा, आ लगेगा या फ्यू लगेगा। इट इज बेस्ड ऑन डिटरमाइनर्स। क्या होगा? स्कॉलर्स आर ऑफन कॉट, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अक्सर फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं? ऑन द हॉर्न्स ऑफ दा डायलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ सम डायलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ आ डायलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ फ्यू डायलेमा। एक फ्रेज है, मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में आर्टिकल्स पढ़ाते समय पढ़ाता हूं, और वो फ्रेज है इन अ डायलेमा। हाँ, और ये फ्रेज, और फ्रेजेस पढ़ाते समय मैं पढ़ाता हूं इसको, ये जो लिखा हुआ है, और ये फ्रेज है ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। क्या है सर ये? ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। जैसे इन अ डायलेमा में ए लगा, वैसे यहां भी क्या लगना है? ए लगाना है आपको। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन की स्टेट में होना, दुविधा की स्टेट में होना, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, स्टेट ऑफ डिसकंफर्ट जिसको बोलते हैं। जब आप असहज महसूस कर रहे हो, आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हो उनमें आप फंस रहे हो लगातार, तो इसको कहते हैं टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं अक्सर वो इन चीजों में फंस जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो करेक्ट फ्रेज है वो क्या है? ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शोज कि आपको ना ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेस भी लर्न करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेस भी लर्न करनी चाहिए। अभी अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस के नाम से है, उस पर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर किया है फ्रेजल वर्ब्स का, फ्रेजल वर्ब्स का। उसमें 200 प्लस रेलेवेंट फ्रेजेस मैंने दी है। अब देने को तो मैं 500 भी दे सकता था, लेकिन मेरा ये भी तो जॉब है एक रिस्पॉन्सिबल टीचर होने के नाते कि मैं कंटेंट वही आपसे शेयर करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसको पढ़ना आपके लिए बड़ा आवश्यक हो। और अगर मैं बहुत ज्यादा कंटेंट दूंगा तो फिर आप उसे पढ़ेंगे कैसे, तैयार कैसे करेंगे? तो बहुत लेंथी कंटेंट देना बहुत अच्छी बात नहीं होती, सटीक कंटेंट देना आवश्यक होता है, जो मैं कोशिश करता हूँ। तो आप इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके, प्रिंट करा करके इसे तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आर्टिकल्स पे बेस्ड है, यानी कि डिटरमाइनर्स पे बेस्ड है। बहुत सटीक क्वेश्चन है, बहुत सटीक। बेसिकली इस क्वेश्चन की खूबी ये है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स है ना उनसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट मुश्किल से होगा। हाँ, ये है। अब इसको पढ़िए, द वोटिंग वेंट ऑन वेल। वेंट ऑन में फ्रेज यूज हुई गो ऑन, जारी रहना, चलना, जारी रहना, जिसका मतलब है कि वोटिंग जो है बढ़िया चले, है ना? कहीं पे चुनाव होने हो तो चुनाव का सिलसिला बढ़िया चला, वोटिंग अच्छी चली। अमिट के बीच, के बीच, इसको कभी कभी हम अमिट्स भी बोल देते हैं, अमिट्स, दोनों का एक ही मीनिंग है, के बीच। फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, देखिए फ्यू के आगे सम तो लगता नहीं, एन तो लगता नहीं है, या तो ऑप्शन नंबर ए चलेगा या तो ऑप्शन नंबर सी चलेगा, क्योंकि फ्यू दो चेहरे वाला है ना। फ्यू होता है आ फ्यू होता है, होता सर जी दा फ्यू भी है। दा फ्यू तो चॉइस में ही नहीं है, ऑप्शंस में, तो इसका भी विचार त्याग दीजिए। तो या तो फ्यू ही रहेगा या तो आ फ्यू होगा। अगर आंसर है फ्यू तो फिर नो आर्टिकल को चूज करना है, अगर है आ फ्यू तो ऑप्शन नंबर ए को चूज करना है। सही आंसर क्या है सर? सही आंसर है आफ यू। क्या है सर? आफ यू, आर्टिकल आएगा। देखिए फ्यू का मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर, नियर टू जीरो, नियर टू जीरो, ये फ्यू है। आफ यू में हाँ थोड़ा बहुत है, छुटपुट घटना है जिसको कह सकते हैं, थोड़ा बहुत हुआ। इसमें लिखा है कि हिंसा की कुछ घटनाओं के बीच में जो वोटिंग हुई वो अच्छी चली। जरूर ये बात बोला जा रहा है कि वोटिंग अच्छी हुई है, लेकिन लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि हिंसा की कुछ घटनाएं घटी हैं। समझ रहे हैं? अमिट फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, हिंसा की कुछ घटनाओं के बीच में, ना के बराबर घटनाओं के बीच में बोलना चाहिए। क्या लगता है आपको? ना के बराबर या थोड़ी बहुत घटनाएं घटी हैं? गौर से देखिए, थोड़ी बहुत घटनाएं घटी हैं,
मैं यहाँ पे आपसे माफी मांगना चाहूंगा, मैंने ध्यान नहीं दिया इस वर्ड को ठीक से। हिंसा की बहुत कम घटनाएं घटी हैं, है ना, क्षमा चाहूंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नो आर्टिकल। अमित को मैंने बहुत ध्यान से नहीं देखा, मैं कुछ डिस्पाइट जैसा सोच रहा था। डिस्पाइट में उटपटांग होता है ना, कि इधर अच्छा है तो इधर खराब होगा, वैसे नहीं। यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। अमिट फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वॉलेंस, मतलब बहुत एक आधी घटनाएं घटी, ना के बराबर घटनाएं घटी। तो जब घटनाएं ना के बराबर घटी तभी वोटिंग जाकर के अच्छे से संपन्न हो सके, ये लिखा हुआ है। तो अमिट फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वॉलेंस दी वोटिंग वेंट ऑन, इक्का दुक्का घटनाएं हुई, फिर वोटिंग जो है अच्छी रही। तो ना के बराबर घटनाओं की वजह से या ना के बराबर घटनाओं के बीच में वोटिंग अच्छी चली। नंबर सिक्स पे आइए, यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस। पहली बात, यूनिवर्सिटी में जो यू आ रहा है ना, भले ही AEIOU दीज आर वॉवल्स, लेकिन जब यू यू बोलता है, जैसे यूनियन है, यूनिफॉर्म है, यूनिटी है, यूनिवर्सिटी है, तो जब वो यू बोलता है तो एंड नहीं लगा सकते आप। तब क्या लगा सकते हैं? ए लगा सकते हैं या फिर आर्टिकल दा लगा सकते हैं। तो एंड तो आना ही नहीं है सर, साउंड वाला इशू फंस रहा है। ठीक, सम यूनिवर्सिटी लिखने की कोई जरूरत नहीं, बी या सी लगाइए। अ यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, बताइए क्या, या द यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, या आ यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस। सोचिए क्या होगा, द यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस या आ यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस। सर आंसर एक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए, अ यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस। सर द यूनिवर्सिटी ना लगाइए, किसी निश्चित यूनिवर्सिटी की तो बात की नहीं जा रही। द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसे तो बोला नहीं जा रहा है, वो यूनिवर्सिटी ऐसे तो कहा नहीं जा रहा। एक कॉमन सी बात कही जा रही कि जो कॉलेज होता है, जो स्कूल होता है, जो यूनिवर्सिटी होता है, ये पढ़ने के लिए, सोचने समझने के लिए, सीखने की जगह होती है। जैसे आप बोले, अ कॉलेज इज प्लेस फॉर लर्निंग, अ स्कूल इज अ प्लेस फॉर लर्निंग, तो ऐसे बोलेंगे। एक स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, या एक स्कूल पढ़ने लिखने की जगह होती, एक कॉलेज इस काम में इस्तेमाल होता है। तो अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी का काम है, या एक यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां पर लोग सोचते हैं और सीखते हैं। दा मत लगाइए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है ना, वो यूनिवर्सिटी नहीं बोला जाएगा। नंबर सेवन, एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ, मैनिफेस्टेशन समझते हैं, दिखाना, एग्जिबिशन जिसको कह सकते हैं, प्रदर्शनी जिसको कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्ट बन है, मैनिफेस्ट का मतलब ही होता है शो करना। एक चीज और देखिए, मैनिफेस्टेशन से मैनिफेस्टो भी बनेगा। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को कहते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते समय मैनिफेस्टो जारी करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं। उस घोषणा पत्र का क्या काम होता है? उसमें सब साफ साफ लिखा रहता है, वो दिखाता ही तो है। तो मैनिफेस्टेशन दिखाने के लिए, एग्जिबिशन के लिए है। तो एजुकेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन है, प्रदर्शन है, परफेक्शन जो कि ऑलरेडी किसी व्यक्ति में होता है, मतलब व्यक्ति में परफेक्शन होता है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से ये परफेक्शन समाज के सामने आता है। तो परफेक्शन कोई गिनने की चीज नहीं है सर, परफेक्शन कोई ऐसे तो ए परफेक्शन, टू दो परफेक्शन ऐसे तो बोलते नहीं, तो ता परफेक्शन बोलिए आप सर, मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन, है ना, आ परफेक्शन या टू परफेक्शन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी, जो परफेक्शन आदमी में होता है, डेफिनेट आर्टिकल नहीं होता, जो चीज आप में है, जैसे इस जगह की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, जैसे तुम्हारी महानता, द ग्रेटनेस इन यू, द ग्रेटनेस इन यू, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया कुक भी है, तो ऐसे तो वो एक ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट है, संडे संडे को या बीच बीच में वो अपने घर में खाना भी पकाता है। तो कहा जा रहा है कि आपके अंदर को जो कुक है, द कुक इन यू, द कुक इन यू, द परफेक्शन एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इन मैन, ठीक, द परफेक्शन, जो परफेक्शन ऑलरेडी व्यक्ति में होता है। अगर आपको आर्टिकल से संबंधित रूल्स को लेकर के दिक्कत है, तो फिर आप जरूर उसे पढ़िए। आपको आर्टिकल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की जरूरत है, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सॉल्व करने की जरूरत है,
तो आप जो है जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो उसमें जो ग्रामर आती है जनरली, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जो भी चैप्टर्स होते हैं उनकी चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस मैंने अपने चैनल पे सॉल्व करा रखी है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको अगर टेंस में प्रॉब्लम है तो टेंस का वीडियो देख लीजिए, नाउन की प्रॉब्लम है नाउन का वीडियो देख लीजिए, जिस भी चैप्टर को लेके थोड़ी बहुत समस्या है तो आप उन एक्सरसाइज को देखिए, 40 to 50 सेंटेंसेस होंगे, उनके माध्यम से मैंने रूल्स क्लियर करने की कोशिश की है। तो द परफेक्शन होगा। नंबर 8 देखिए, एंट्री ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की एंट्री होती है कि बिल्डिंग के भीतर एंट्री होती है, बिल्डिंग में एंट्री होती है ना, बिल्डिंग की एंट्री नहीं रेस्ट्रिक्टेड थी, बिल्डिंग में एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड करके रखा गया था कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। तो एंट्री इनटू होगा, ये इजी है सर, बहुत इजी है, जरा सा आप चूकेंगे तो गलत हो सकता है, वैसे ये इतना इजी है कि किसी से भी रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए था। बिल्डिंग के भीतर जो एंट्री थी है ना, बिल्डिंग में जो जाने की एंट्री थी वो, कुछ लोगों को ये हो सकता है लग रहा हो कि प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए, तो मैं उन्हें क्लियर करूं कि एंटर होता तो एंटर के बाद इन या इनटू जो भी है नहीं आता, ठीक है, फिजिकल एंट्री के लिए, फिजिकल एंट्री के लिए एंटर इनटू नहीं होता, एंटर इन नहीं होता, पर ये एंट्री है, क्या है, एंट्री है। तो किसी बिल्डिंग के भीतर जो एंट्री होती है, एंट्री इनटू प्लेस, और बोला जाए एंट्री ऑफ महिलाओं की एंट्री, एंट्री ऑफ वुमेन, तब वहां लगाइए किसकी एंट्री होनी, एंट्री ऑफ लगा दीजिए, किस में एंट्री होनी, एंट्री इनटू लगा दीजिए। 9 नंबर का सेंटेंस है ये, सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, पढ़िए, रदीत हैज बीन इलेक्टेड एज, वैसे तो ग्रामर का रूल कहता है कि इलेक्ट के बाद एडवर्ब एज नहीं लगना चाहिए, सीधे टाइटल आना चाहिए जो चुना गया है, लेकिन लगा है यहां पर, तो मैंने इसे तब नहीं रिमूव किया था टाइपिंग करवाते समय, अभी मैंने रिमूव कर दिया, इलेक्ट इलेक्शन से बनता है, तो रंजीत को चुना गया है लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस, जो हाउस है उसमें ग्रुप का लीडर चुना गया है उसे, तो बताइए शामिल होगा कैसे होगा सर, लीडर के आगे आ लगना नहीं चाहिए सर, साउंड का प्रॉब्लम है, तो या तो आ लीडर हो सकता है या तो दा लीडर हो सकता है, क्या बोलना चाहिए, रंजीत को जो ग्रुप है उस ग्रुप का एक नेता चुना गया है, अगर आप ए लगाते हैं तो एक बोलिए सर, जैसे मैं कह रहा हूं आई एम आर टीचर, या आई एम अ लीडर, आई एम अ पॉलिटिकल लीडर, जो भी मैं बोलूं, तो जब मैं आ टीचर या आ पॉलिटिकल लीडर बोल रहा हूं तो हिंदी में भी तो कह रहा हूं मैं एक अध्यापक हूं, एक आ रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आप ए लगाना चाहते हैं तो एक बोलिए, वो आपको बोलना नहीं चाहिए, रंजीत को ग्रुप का एक लीडर चुना गया है, नहीं सर, रंजीत को ग्रुप का लीडर चुना गया, दा लीडर लगाइए, क्या लगाइए, दा लीडर, वैसे भी सर लीडर एक स्पेसिफिक पोस्ट होगी, जैसे स्कूल की बात करिए तो टीचर तो जनरल पोस्ट है, लेकिन प्रिंसिपल एक फिक्स्ड पोस्ट है ना, तो दा प्रिंसिपल होना चाहिए, आ प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, हाँ टीचर है तो आ टीचर हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल है तो फिर दा प्रिंसिपल ही होना चाहिए, यही सही तरीका है, तो दा लीडर होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस पर आइए, जनरली इस सेंटेंस को आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है, ये आप अगर गूगल करें अभी इस सेंटेंस को, हाँ देखिए सर मुझे ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं जब आपको इस सेशन को सॉल्व करा रहा हूं तो मैंने एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू किया है, देखा है, ठीक है, अब मैं कोई परफॉर्मेंस तो देने जा नहीं रहा हूं, पेपर तो मैंने कोई फेस नहीं किया है, हो सकता है मैंने पेपर फेस किया होता आउट ऑफ 10 सेंटेंसेस मेरे से भी एक दो गलत हो जाते, ये पॉसिबल है, किसी का ये मानना कि वो 100% करेक्ट करेगा ये ठीक नहीं है। हाँ मैं आपको डिस्कशन कराने जा रहा था तो मैंने फिर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को जो है इंटरनेट पे टाइप किया, क्योंकि मैं ड्रॉप जोन का मीनिंग नहीं समझ रहा था क्या है, मैं ये तो समझ रहा था कि कोई प्लेस है क्योंकि आगे ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ है, फिर मैंने सिस्टम परफॉर्मेंस को चेक किया जा करके, मैंने सेंटेंस टाइप किया तो गूगल पे पूरा सेंटेंस ही आया और उस सेंटेंस में एट लगा हुआ था, और ये सेम सेंटेंस था गूगल पे, खाली इसमें एक प्लेस भी मेंशन किया गया था ड्रॉप जोन के बगल में जहां पर ऐसा हुआ था, बाकी सब यही था, एट आएगा क्या, क्या आएगा, एट आएगा, किसी
किसी प्लेस के लिए एड लगाएंगे। लिखा है कोई परफॉर्मेंस दिखाई गई ऊंचाई से, एक ऑल्टीट्यूड था 5,000 मीटर का, है ना, ड्रॉप जोन पर वो दिखाया गया, और इतनी ऊंचाई से दिखाया गया, फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ, इतनी ऊंचाई से दिखाया गया, ड्रॉप जोन पर दिखाया गया। तो किसी प्लेस के लिए एट लगाते हैं ना, एट लखनऊ, एट आलमबाग, एट दिल्ली, एट इंडिया गेट, ऐसे बोलते हैं ना, इसीलिए आपको एट लगाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा सेशन मेरा जरूर अच्छा लगा होगा। अभी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन एक और सेशन हम इसका लेकर के आएंगे, पूरे पेपर को एक एक सेक्शन में बांट करके अगले 6 to 7 days में पूरा का पूरा पेपर जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरी कोचिंग आलमबाग लखनऊ में है, आप यहाँ आ सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, ग्रामर की, वोकैब की, कॉम्प्रिहेंशन की, या तीनों की, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इट इज 9935923221। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।